रोम राज का शासन एक बार फिर से पूरे विश्व पर होगा और ये कब होगा ये ध्यान रखिए, ये कब होगा। तीन चीजें मैं आपको बताऊंगा जिसके अंतर्गत जो है रोम साम्राज्य का जो है राज फिर से स्थापित होगा। कब होगा? प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के सात खंडों में से हम चौथे खंड में हैं, परमेश्वर का न्याय और सात तुरियों का परिचय। पिछले संदेश में हमने सीखा था प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 4 पद से लेकर 6 पद तक के विषय में। आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 7 पद से लेकर उसके 8 पद तक के विषय में। यहां पर पहले हम इन चीजों को पढ़ लेते हैं, 7 से 8 तक जो है यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब वे अपनी गवाही दे चुके तो वे पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाते हैं, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। अब यहां बड़े ध्यान देने की बात है कि दो गवाह अपनी गवाही दे चुकेंगे, तब वो पशु जो है एक पशु जो है वो अथाह कुंड में से निकलेगा और उनसे लड़कर जो है वो उन्हें मार डालेगा। अब ये दो गवाह जो है ये गवाही जो है वो दे चुकेंगे। यहां पर एक विशेष बात पर जो है वो ध्यान देने की बात है कि दो गवाह की गवाही दे चुकेंगे अर्थात भविष्यवाणी करने का जो समय काल इसमें दिया गया है वो क्या है, 1260 दिन। अब 1260 दिन की जो गवाही है वो कितने, उसका समय कितना है, यानी 3.5 वर्ष का जो है वो समय काल दिया गया है यहां पर जो है। ये समय काल उनके मरने से पहले का है, ध्यान दीजिएगा। ये जो 3.5 साल है यानी 1260 दिन का जो समय काल दिया गया है ये वो भविष्यवाणी अपने जीवित रहते हुए कर रहे हैं। हर बात को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि जरा सी भी अगर चूक हो गई तो आप बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे और बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगा, बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो 3.5 साल हैं ये 3.5 साल अपने जीवित रह के 3.5 साल तक ये भविष्यवाणी कर रहे हैं और मरने के बाद जो है वो क्या होगा ये आगे देखेंगे। अब यहां पर जो दिया गया है कि वह पशु अथाह कुंड से निकलेगा, ये अथाह कुंड से निकलने वाला जो है ये पशु कौन सा है इसको समझना है। पिछले संदेश में आपने अगर सुना होगा और उसमें देखा भी होगा, उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि जो पशु पृथ्वी में से निकला है यानी अर्थात अथाह कुंड में से, वो अमेरिका है। प्रकाशित वाक्य 13 और उसका 11 पद जो है वहां लिखा ना कि एक पशु को मैंने पृथ्वी पर से निकलते हुए देखा। परंतु यहां पर मैं जिस पशु की बात कर रहा हूं ये वो पशु नहीं है, क्योंकि देखिए कंफ्यूजन जो है वो नहीं होना चाहिए कि आपने तो पहले बताया था कि वो पशु जो है वो अमेरिका है, अब आप यहां पर ये दूसरा पशु कर रहे हैं। क्योंकि यहां पर जो है जिन पशु की बात कर रहा हूं, प्रकाशित वाक्य के अंदर कई बार पशुओं का अलग अलग वर्णन किया गया है, इन बातों को भी ध्यान में रखिएगा। और वो कौन सी है, प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय और जब 8 पद पढ़ेंगे तो वहां पर जो है एक अलग पशु का जो वर्णन किया गया है वो है, मैं पढ़ देना चाहता हूं आपके साथ। यहां पर इस प्रकार से लिखा प्रकाशित वाक्य 17:8, जो पशु तूने देखा है वे पहले तो था पर अब नहीं है और अथाह कुंड में से निकलकर विनाश में पड़ेगा और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए हैं, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं और फिर आ जाएगा अचंभा करेंगे। ध्यान दीजिएगा इन पदों के ऊपर। सबसे पहली बात क्या है कि जो पशु निकला हुआ है कि पहले तो था वो, यानी पहला वो इस संसार के अंदर उसका बावजूद था, स्थापना थी उसकी और उसके बाद जो है उसका जो वो है, परंतु उसका जो पावर थी वो खत्म हो गई है, अभी वो पावर में नहीं है। पहले वो बहुत पावर में था परंतु अब वो है वो पावर में नहीं है, परंतु
फिर वो जो है अपनी पावर में आ जाएगा। और ये बात अमेरिका के ऊपर फिट नहीं बैठती है, जो आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा, इसलिए मैं कह रहा हूं सारी बातों को, क्योंकि प्रकाशित वाक्य के जो भेद हैं उनको बहुत बारीक और गहराई के साथ, बड़ी आत्मिकता के साथ समझने की जरूरत है। जल्दीबाजी नहीं करना है इन बातों में। यदि मेरे प्यारे भाइयों बहनों में जल्दीबाजी करता तो अब तक प्रकाशित वाक्य खत्म कर चुका होता, क्योंकि एक साल से ऊपर जो है प्रकाशित वाक्य के उस पुस्तक के बारे में बताते बताते हो गया है, और अभी पता नहीं कितना समय लगेगा, प्रभु जानता है। परंतु यहां पर हम बात कर रहे हैं उस पशु की जो अथाकुंड में से निकलेगा और उन दो भविष्यवक्ताओं से लड़कर उन्हें मार डालेगा, उनके बारे में बात कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये पशु कौन सा है? ये पशु जिसकी स्थापना हुई है, ये रोम साम्राज्य के बारे में यहां पर बात हो रही है। रोम साम्राज्य की स्थापना जो है 753 बीसी में, यानी ईसा पूर्व में जो हुई थी, और रामुलुस के द्वारा जो थी इसकी स्थापना की गई थी, और रामुलुस के द्वारा ही इसका नाम जो है रोम रखा गया था। और ये जो था ये बहुत विश्व प्रसिद्ध जो था ये था, उस समय रोम का नाम जो था बहुत जो है प्रसिद्ध हुआ था। जब खास तौर से कब ये प्रकाश में आया, कब इसका नाम बहुत ज्यादा फैल गया, जब इसने जो है, यहां पर जो आप पढ़ेंगे, जब इतिहास पढ़ेंगे, जब इसने पुनिक का युद्ध जो है 146 बीसी में जब जीता और ये जो है पूरे विश्व में प्रकट हुआ। देखिए स्थापना चाहे 753 बीसी में हो चुकी, वो एक अलग चीज है किसी भी चीज की, परंतु पावर में आना जो है, जिसको कहते हैं पावर में आना, जिसको कहते हैं कि विश्व में उसका नाम होना जो है, ये हुआ है पुनिक के युद्ध के बाद जो है 146 बीसी में जो युद्ध हुआ है उसमें जो है। अब यहां पर जो है एक बात जरा ध्यान देने की बात है कि जब हम रोम की बात करते हैं तो बहुत से लोग कंफ्यूजन होते हैं कि रोम का पतन जो है 476 एडी में हो चुका, परंतु बहुत चीजें इंसान के जीवन में कंफ्यूजन पैदा करती। अगर 476 में रोम का पतन हो चुका तो बहुत सी चीजें खत्म हो चुकी हैं, मगर यहां पर इस तरीके का नहीं है। जब आप इतिहास को पढ़ेंगे तो 395 एडी में जो था रोम दो भागों में बट गया। कैसे दो भागों में बट गया? एक पूर्वी रोम और एक पश्चिमी रोम के बारे में बात किया गया है, यह बट गया है, बट गया था। और जो पूर्वी रोम जो है वो जो है 1453 एडी तक उसने राज किया है, परंतु जब हम बात करते हैं पश्चिमी रोम की, जब हम बात करते हैं तो उसका पतन जो है 476 एडी में हो गया। जी हाँ, जो पश्चिमी रोम का पतन है, परंतु जब पश्चिमी रोम का पतन जो है वो समाप्त हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि रोम का राज्य जो है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये किसके अंतर्गत आ जाता है? ये पूर्वी रोम के अंतर्गत आ जाती है बातें। और यहां से जो है जब आप देखेंगे 476 से, तो यहां पर एक देश और अलग होता है, उसका इतिहास मैं बताने नहीं जा रहा हूं, वो बाद में बताऊंगा। और वो देश जो है बाइबल के अंदर इतालिया कहा गया है, और वैसे अगर आप देखेंगे तो वो इटली जो है वो कहा गया, मगर इटली की जो राजधानी है वो रोम है, इसको ध्यान में रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। 17 मार्च 1861 में इटली जो है एक राज के रूप में जो है स्थापित किया गया है, और 12 जून 1946 में इटली एक गणतंत्र जो है वो उसके राज की स्थापना हुई है, और 1 जनवरी 1948 में इटली का जो है संविधान जो है वो लिखा गया या बनाया गया है। तो यहां पर जो है इस तरीके से जो है इनका बंटवारा हुआ है या ये बांटे गए हैं। अब इनका अस्तित्व जो है विश्व के अंदर, इनकी जो पावर है वो दिखाई नहीं देती है। इस इन बातों को जो है बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है यदि आप परमेश्वर के वचन, खासतौर से प्रकाशित वाक्य को समझना और जानना चाहते हैं। प्राचीन समय में यूरोप और एशिया में रोम का जो था बहुत बोलबाला था, और ये आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, बहुत बोलबाला था, बहुत सी चीजें। यीशु मसीह को रोम के समय में जो है सूली पे चढ़ाया गया है, और भी बहुत सी चीजें जो हैं आप देखेंगे और इन बातों से सहमत होंगे। परंतु जब हम बात करते हैं धर्म के स्वतंत्रता की बात करते हैं, जैसा मैं पहले भी बताता आया हूं,
वहां पर जो है सिर्फ मसीह धर्म की बात नहीं है, किसी भी धर्म के लोगों को स्वतंत्रता नहीं थी प्रचार प्रसार के लिए। परंतु कॉन्स्टेंटाइन्स जब प्रथम जो राजा बना तो 313 एडी में उसने सभी धर्म के लोगों को प्रचार प्रसार के लिए स्वतंत्रता दे दी। यहां पर जो है वहां से जो है स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। और कॉन्स्टेंटाइन जो है वो 306 ईस्वी से लेकर 337 ईस्वी तक जो था रोम का सम्राट था, रोम का जो है वो सम्राट बना है। तो वहां से जो है 313 ईस्वी से जो है मसीही समाज को जो है स्वतंत्रता मिली है और वो स्वतंत्र हुए हैं और उन्होंने जो है परमेश्वर के वचन को जो है उन्होंने प्रचार प्रसार करना आरंभ किया है। और यहां रोम का जो उदय होना है, अब ध्यान देने की बात है, प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय उसके 8 पद को पढ़ा गया, रोम का जो उदय होना उसके अनुसार रोम राज का शासन एक बार फिर से पूरे विश्व पर होगा। और ये कब होगा ये ध्यान करिएगा, ये कब होगा, तीन चीजें मैं आपको बताऊंगा जिसके अंतर्गत जो है रोम साम्राज्य का जो है राज फिर से स्थापित होगा। कब होगा? जब वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनेगी, जब वन वर्ल्ड रिलीजन बनेगा, जब वन वर्ल्ड लॉ की स्थापना होगी, तब जो है ये पशु फिर से पावर में आएगा। ये रोम जो है, इटली जो है खासतौर से, वो फिर से पावर में आएगा। और पूरी जो ये जो मैंने बताया है वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की, वन वर्ल्ड रिलीजन की, वन वर्ल्ड लॉ की सत्ता जो होगी वो पूरी तरीके से उसके हाथ में होगी। इन बातों को ध्यान रखेगा। अगर मैं ऐसे ही बोल देता कि उसका राज होगा, ये राज होगा, तो बहुत सी कॉन्ट्रोवर्सी जो है वो होती है। परंतु क्यों होगा, किस तरीके से होगा, ये जानना भी जो है बहुत ज्यादा जरूरी है और इसको समझना है। जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन को, अब हम इसके 8वें पद को देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 11 के 8 को आपने पढ़ा कि उनके शव नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाते हैं, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया। अब यहां पर जो है चौक का मतलब क्या होता है, यानी चढ़ाया। अब यहां नगर की जो बात कही गई है कि नगर किसको कहा गया है, ये जरा समझने की बात है। बहुत से लोग कुछ कहते हैं कि आत्मिक रीति से ये देश है, वो देश है, फलाना देश है, नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन से समझना है। और इनको समझने के लिए हमें मती जब 5 अध्याय उसका 35 पद पढ़ते हैं, बड़ा ध्यान दीजिएगा, ना धरती की क्योंकि वे उसके पांव की चौकी है, ना यरूशलेम की क्योंकि वे महाराजा का नगर है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तू इनकी शपथ ना खाना, ना धरती की शपथ खाना क्योंकि वो परमेश्वर के पांव की चौकी है, और ना यरूशलेम की जो है वो शपथ खाना क्योंकि वो महाराजा का नगर है, क्योंकि यरूशलेम जो है वो नगर कहलाया गया है। अब यहां यरूशलेम को जो है वो परमेश्वर का नगर कहा गया है। जी हाँ, यहां यरूशलेम की बात हो रही है कि यरूशलेम के चौराहे पर जो है उन दो लोगों, गवाहों की या भविष्यवक्ताओं की जो है, जब वो पशु अथाकुंड से निकलेगा तो उनको मार डालेगा। ये बड़ा समझने की बात है। आने वाले समय में जो है यरूशलेम की स्थिति जो है सदोम और मिस्र के समान हो जाएगी। इसका मुख्य कारण होगा कि जो पशु अथाकुंड में से निकलेगा वे यरूशलेम की दशा को सदोम और मिस्र के समान जो है वो बना देगा। ये कौन होगा, ध्यान देने की बात है। रोम तो होगा, परंतु मगर रोम राज का जो शासक होगा वो कौन होगा, ये भी समझना है हमें कि रोम तो होगा मगर उस समय रोम राज का जो शासक होगा वो कौन होगा। दूसरा थस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 3 और 4 पद बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रगट ना हो। जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वे परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर कहलाता है। अब यहां देखिए थस्सलुनीकियों में पौलुस के द्वारा परमेश्वर जो है वर्णन कर रहा है उस पाप के पुरुष का, पाप का पुरुष का मतलब विनाश के पुत्र का। जी हां, कि विनाश के पुत्र का प्रकट होना निश्चित है। और विनाश के पुत्र का प्रकट होना निश्चित होने का मतलब क्या है कि वो जो है धर्म का त्याग करवाएगा। जो सही माने में परमेश्वर
ने जो धर्म, जो आज्ञाएं, जो चीजें दी हैं, उन सबको वो बदल डालेगा, और जो अपने उसके जो नियम होंगे, अपनी जो उसकी आज्ञाएं होंगी, उनको मनवाएगा। जो नहीं मानेगा उसके साथ कोई लेन देन नहीं होगा, उसकी दशा जो है बहुत बुरी हो जाएगी इस पृथ्वी के ऊपर। और यहां लिखा है कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर, अब ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर का मंदिर, यहां पर परमेश्वर के मंदिर की बात आई है। हर कोई परमेश्वर का मंदिर नहीं होता। जब परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे कि परमेश्वर के मंदिर की बात होती है, तो वो यरूशलम की होती है। जी हाँ, यरूशलम में इस समय परमेश्वर का मंदिर जो है, सही माने में जहां होना चाहिए था, वहां सिर्फ एक दीवार है, उस पर मंदिर बनने की जो है वो तैयारियां चल रही है। उस पर मंदिर बनने का जो है, जो तैयारियां जो है वो चल रही है। अभी मंदिर बना नहीं है, मगर कुछ चीजें जो है वो शुरुआत हो रही है। जब उस पे, उसी जगह पर, उसी स्थान पर जहां परमेश्वर का मंदिर था, जहां पर परमेश्वर ने अपना नाम रखा था, उसी मंदिर पर जो है वो वहां पर बना मंदिर बनेगा, और उस मंदिर का अधिकारी ये विनाश का अब कौन हो, क्या नाम है, क्या चीजें हैं, ये प्रकाशित वाक्य के आगे में है। और आप ध्यान दीजिएगा, अभी जब हमने प्रकाशित वाक्य 11 का 7-8 पद पढ़ा था कि ये वो जगह है जहां पर हमारा प्रभु भी क्रूस पर बलिदान हुआ था। प्रभु यीशु मसीह यरूशलम में, उस जगह पर जहां यरूशलम में गोलगोथा नाम की एक जगह, जिसको खोपड़ी नामक जगह कहा गया है, वहां पर यीशु मसीह बलिदान हुआ। जी हाँ, तो ये सीधी सी बात है जो प्रकाशित वाक्य के अंदर लिखा हुआ है। यहां पर यरूशलम की बात हो रही है, और यरूशलम की स्थिति जो है आने वाले समय में जब इस विनाश के पुत्र के हाथ में होगा, तो और भी भयानक हो जाएगी। बहुत सी चीजें जो हैं परमेश्वर के विरोध में वहां होंगी, जो सदोम और मिस्र में हुआ करती थी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये जो बातें हैं प्रकाशित वाक्य की, इस पे ध्यान दीजिएगा एक एक बात पर कि कैसे भविष्यवाणी कहां पर किस समय कैसे पूरी हो रही है। अभी और आगे और भी बहुत सी बातें हैं जो हम और आप सीखेंगे। प्रभु आप सबको तब तक के लिए आशीष दे। आमीन।